हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैनी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, पेमेंट बैंक क्या होता है, इसके क्या नियम हैं और भारत में इस वक्त कौन कौन से पेमेंट बैंक्स चल रहे हैं, इन टॉपिक्स पर मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता अगर आपको खुलवाना है तो कैसे खुलवा सकते हैं, कौन कौन से खाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और इनमें क्या फायदे हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सितंबर 2018 में शुरू हुई थी, जिसमें बाकी बैंक से काफी कुछ अलग है। इसमें तीन तरह के बचत खाते हैं, आइए इनको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी और मेरा मानना है इसको देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं तीन सेविंग अकाउंट: डिजिटल सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट। डिजिटल अकाउंट ऑनलाइन जीरो बैलेंस पर खुलेगा IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके। इसमें एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। 12 महीनों के अंदर IPPB ब्रांच जाकर KYC वेरीफाई आपको करना होगा, नहीं तो 12 महीने बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर उसमें पैसा है तो बैंक वो पैसा आपको दे देगी। वेरिफिकेशन जो आपको ब्रांच जाके करना है वो घर पे भी हो सकता है डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से। डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में हम एट दी एंड इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं रेगुलर और बेसिक अकाउंट की। रेगुलर और बेसिक अकाउंट ऑनलाइन जीरो बैलेंस पर खुलेगा IPPB की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके, बिल्कुल डिजिटल अकाउंट की तरह। यह ब्रांच से भी खुल सकता है। एज 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद इसमें डोर स्टेप बैंकिंग के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो डिजिटल अकाउंट में नहीं मिलते हैं। इंटरेस्ट इन तीनों अकाउंट्स में 3% पर एनम ऑन डेली बैलेंस पेड क्वार्टरली रहेगा। अब दोस्तों, 3% मिलता है, हर दिन का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस कितने दिनों तक रहता है? अगर आज का बैलेंस 100 रुपए है और वो अगले 6 दिन तक 100 रुपए ही रहता है, आपने कुछ भी नहीं डाला है खाते में, तो 6 दिन का आपको जो ब्याज है वो 3% मिलेगा 100 रुपए पर। तो ये हर दिन आपका बैलेंस चेक करेगा और इस हिसाब से जो लास्ट बैलेंस होगा वो जितने दिन तक रहेगा उस पर आपको उतना ब्याज मिल जाएगा। और ये आपको क्वार्टरली पेड होगा, यानी कि हर 3 महीने पर ये एक बार आपको एक मुश्त ब्याज बैंक पे कर देगी आपके बचत खाते में। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी अकाउंट में। किसी भी EOD पर बैलेंस अकाउंट का 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल क्यूमुलेटिव 2 लाख ईयरली नहीं होना चाहिए डिजिटल अकाउंट में। और रेगुलर या बेसिक में EOD बैलेंस 1 लाख होना चाहिए, लेकिन क्यूमुलेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों, EOD का मतलब होता है एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के आखिर में जब बिजनेस आवर्स बैंक के क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद आपके खाते में जो बैलेंस है अगर वो डिजिटल अकाउंट है तो उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल डिजिटल अकाउंट क्योंकि छोटा अकाउंट होता है और उसको आपको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, जिसकी बाद वो रेगुलर अकाउंट बन जाता है, तो इसीलिए इसमें एक और कंडीशन भी है कि 2 लाख आपका मैक्सिमम बैलेंस साल भर में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 लाख से कम तो हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ये कैसे होगा, अगर आप मान लीजिए 1 महीने में 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो इस केस में आपका टोटल क्रेडिट जो है 1 साल में हो जाएगा 1,20,000 रुपये, यानी 2 लाख रुपए से अभी भी ये क्यूमुलेटिव कम है। तो क्यूमुलेटिव 1 साल में 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल बैलेंस एक दिन पे कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि रेगुलर और बेसिक अकाउंट डिजिटल अकाउंट से सिर्फ इसी बात पे अलग है कि इसमें सिर्फ ये 1 लाख वाला रूल है, यानी कि आपका हर दिन 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी ये 2 लाख रुपए ज्यादा क्यूमुलेटिव कोई भी रूल नहीं है। अब दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें बैलेंस रखने की लिमिट है, इसलिए ऑटोमेटिक लिंकेज टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी भी बैंक ने दी है, लेकिन सिर्फ रेगुलर और बेसिक अकाउंट में दी है, डिजिटल अकाउंट में नहीं दी है। डिजिटल अकाउंट में अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो पहले इसको रेगुलर में कन्वर्ट करवाना होगा, 12 महीनों के अंदर वेरीफाई करवाना होगा। रेगुलर और बेसिक में जैसे ही ईओडी का बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो जो बैलेंस ज्यादा होगा 1 लाख से ऊपर वाला होगा वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलता है जो 500 रुपए के मिनिमम डिपॉजिट पर खुल जाता है और इसमें इंटरेस्ट 4% मिलता है, यानी कि यहाँ के अकाउंट में IPPB के अकाउंट से ज्यादा ही मिलता है 1%। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके खाते में एक दिन में आज के शाम
बिजनेस आवर्स खत्म होने पर है 1.5 लाख रुपए, तो ऐसे में 50,000 रुपए निकल कर अपने आप ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में बिजनेस आवर्स के बाद पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है, ये सरकार द्वारा लिमिट बनाई गई है, तो क्योंकि 1 लाख की लिमिट है तो अब यहाँ पर पैसा ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए 50,000 रुपए ऑटोमेटिकली निकल के वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हर दिन होगा चेक, हर दिन जहां पे 1 लाख के ऊपर पैसा बैलेंस जाएगा, पैसा निकल कर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपका पहुंच जाएगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को लिंक नहीं करवाया है तो 1 लाख के ऊपर जैसे ही बैलेंस जाएगा, बैंक जो है वो उस बैलेंस को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि आपके खाते में 1 लाख रुपए दोपहर तक हो गया है और शाम को आपने 10,000 रुपए का नेफ्ट करवा दिया अपने खाते में, तो बैंक ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा, वो आपके खाते में आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को लिंक उससे नहीं करवाया है। IMPS, NEFT, RTGS करने की सुविधा भी तीनों अकाउंट्स में मिलती है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से अलग अलग चार्ज लगते हैं। मिनी स्टेटमेंट डिजिटल अकाउंट में नहीं मिलेगा, लेकिन रेगुलर और बेसिक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। कैश डिपॉजिट या विड्रॉल डिजिटल अकाउंट में KYC कंप्लीशन के बाद हो जाएगा, वो भी बिना किसी लिमिट के, लेकिन रेगुलर अकाउंट में अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रॉल है, जबकि बेसिक अकाउंट में अनलिमिटेड डिपॉजिट है पर विड्रॉल 1 महीने में सिर्फ 4 बार हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नॉमिनेशन करवाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तीनों में, तीनों अकाउंट में नॉमिनेशन हो सकता है। अगर ईमेल आईडी आपने दी है तो ई स्टेटमेंट भी आपको तीनों अकाउंट्स में मिल सकता है। दोस्तों, IPBB बैंक में QR कार्ड का सिस्टम है, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। ये डिजिटल अकाउंट में नहीं मिलेगा, लेकिन रेगुलर और बेसिक अकाउंट में पहला QR कार्ड फ्री मिलता है। अगर आप री इशू करवाते हैं तो 25 रुपए प्लस GST चार्ज लगेगा। चेकबुक की फैसिलिटी किसी भी अकाउंट में नहीं है, यहाँ पे चेकबुक आपको नहीं मिलेगी। चेक अगर आपने किसी और बैंक की यहाँ पे किसी भी अकाउंट में, चाहे डिजिटल हो, चाहे बेसिक हो, चाहे रेगुलर हो, किसी में भी आपने किसी और बैंक की चेक लगाई और वो चेक क्लियरिंग के लिए गई लेकिन वो रिटर्न आ गई, यानी डिसऑनर होने की वजह से या बाउंस होने की वजह से रिटर्न आ जाती है, तो अगर वो लोकल क्लियरिंग की चेक है, यानी कि सेम शहर में ही है, जिस शहर में ब्रांच है उस शहर में ही क्लियरिंग थी, तो उस केस में तो फ्री है, कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर आउट स्टेशन की चेक है, यानी कि जिस शहर में आपकी ब्रांच है उस शहर से बाहर की चेक आपने लगा दी है, तो ऐसे में 50 रुपए प्लस GST बैंक चार्ज काटेगी। SMS अलर्ट्स की सुविधा भी तीनों अकाउंट्स में फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। SMS बैंकिंग, UPI, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS की भी सुविधा आपको तीनों अकाउंट्स में मिल जाएगी। दोस्तों, शुरुआत में मैंने डोरस्टेप बैंकिंग के बारे में बात की थी। डोरस्टेप बैंकिंग में आपकी लगभग सारी सुविधाएं घर पर ही आप पा सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट ओपन करने, ट्रांसफर फंड्स करने, डिपॉजिट या विड्रॉ कैश करने, रिचार्ज या बिल पे करने जैसी सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। इन सभी सर्विसेज को यूज करने के लिए इंडिया पोस्ट के पोस्टमैन आपके घर आपकी हेल्प के लिए आएंगे। हालांकि ये फैसिलिटी चार्जेबल है और चार्जेस टाइप ऑफ सर्विस पर डिपेंड करते हैं। आप कौन सी सर्विस पोस्टमैन से लेना चाह रहे हैं, उस सर्विस के अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। ये फैसिलिटी डिजिटल अकाउंट में अकाउंट खुलने तक ही सीमित है, यानी कि डिजिटल अकाउंट अगर आप खुलवाए हैं तो उसमें जब तक वेरीफाई करवाने के लिए आप सिर्फ पोस्टमैन को बुला सकते हैं घर पे। लेकिन एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, यानी कि एक बार आपका अकाउंट रेगुलर या बेसिक अकाउंट आपने खुल लिया, तो उसके बाद आप किसी भी सर्विस के लिए पोस्टमैन को घर तक बुला सकते हैं। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं QR कार्ड की। QR कार्ड एक नया तरह का कार्ड है जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें QR कार्ड होता है जिसको स्कैन करके सारे काम हो सकते हैं और आपको पिन या पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। इससे कैश ट्रांजैक्शन, मोबाइल ट्रांसफर, बिल पेमेंट और कैशलेस शॉपिंग की जा सकती है। जैसे ही QR कोड स्कैन होगा, मोबाइल पर अकाउंट होल्डर के OTP आएगी, जिसे एंटर करके फिर कोई भी एक KYC डॉक्यूमेंट दिखाकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो IPBB बैंक लाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।